बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं शादी वाला चिकन कोरमा। जब भी हम शादियों में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि घर पर हमारा शादी वाला जो चिकन कोरमा है वो क्यों नहीं बनता है। तो घर पर भी बहुत ही आसान है ये कोरमा बनाना। चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। हमने आधा कप ऑयल और एक चम्मच देसी घी गर्म होने के लिए रखा है। ये ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये दो तेज़पत्ते और ये दो तीन जो है लौंग, दो हरी इलायची, एक बड़ी इलायची और ये दो टुकड़ा दालचीनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हमने तीन से चार पानी से अच्छे तरीके से वॉश करके चन्नी में इसका पानी निकलने के लिए रख दिया था ताकि ये पूरा ड्राई हो जाए। हमें चिकन को तेल में अच्छे तरीके से भूनना है। बहुत ही लजीज कोरमा ये बनकर तैयार होता है। अब हम नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। ऑथेंटिक चिकन कोरमा जो है वो देसी घी में बनाया जाता है, पर हम तेल और घी दोनों का यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ये दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तीन चम्मच। इस चम्मच से हमने ये दही लिया है। अब हम इसमें ये दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और दो चम्मच धनिया पाउडर है और एक टीस्पून छोटा ज़ीरा भुना हुआ पाउडर है। इसको हम दही में ऐड करके मिक्स कर लेंगे। ये दही में हमने मिर्च, धनिया और भुना हुआ ज़ीरा पाउडर को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। ये चिकन हमारा पक रहा है। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन हमारा जो है भुन गया है। अब हम ये मसाला इसमें ऐड कर देंगे, दही वाला मसाला। ये चिकन हमारा भुन रहा है। हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ढककर। हमने यहाँ 3 बड़ी प्याज को फ्राई कर लिया है और ये हमने 5 काजू और 5 बादाम लिया है। बादाम का छिलका हमने गर्म पानी में भिगोकर निकाल लिया है और ये केसर है और ये है 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 जावित्री। इन सबको हमें मिक्सी में अच्छे तरीके से पीसना है। देखिए, ये मसालों को हमने इस तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। केसर को गर्म पानी में भिगोने की वजह से जो है बहुत ही अच्छा कलर आता है, तो आप 10-15 मिनट पहले ही केसर को भिगो दें और तभी इस मसाले में ऐड करें। ये मसाला जो है हमारा पक गया है अच्छे तरीके से। अब हम इसमें ये पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये मसाले को हमें 5 से 6 मिनट तक के फ्लेम को लो करके जो है ढक करके अच्छे से पकाना है। ये मसाला हमारा अच्छे तरीके से पक गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितना हमें ग्रेवी रखना है उस हिसाब से ये पानी डालेंगे हम। देखिए, आप अपने हिसाब से ग्रेवी एडजस्ट कर ले। चिकन जो है हमारा गल गया है।
अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और 5 मिनट के लिए लो मीडियम पे पकाएंगे। ये देखिए ये ग्रेवी हमारी अच्छे तरीके से पक गई है। आपको अगर ज़्यादा ठीक रखना है ग्रेवी को तो आप 2-3 मिनट और पका लें, मगर ये इतनी परफेक्ट है। अब हम इसमें ये अदरक के कटे हुए बारीक टुकड़े जुलियन जो है अदरक के ये ऐड कर देंगे और इसे फ्लेम को हम बंद करके 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे और तभी हम सर्व करेंगे। जब भी आप कोरमा बनाएं तो फ़ौरन से सर्व ना करें, क्योंकि जो है उसके ऊपर जो है ये जो तेल आता है ना, देखिए इस तरीके से ये ढककर रखने के बाद में ही सही आता है। तो चलिए हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और कोरमे को ढक के रख देंगे। हमने 5 मिनट इसे ढक कर रखा था, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए ये कितने अच्छे से ऊपर जो है इसके तेल आया है, तो अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए इसे हमने इस तरीके से सर्व किया है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये ज़ाफ़रानी कोरमा हम घर पर आसान तरीके से बना सकते हैं। आपने रेसिपी देख ली है तो इस रेसिपी को आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट कर बताइए कि ये ज़ाफ़रानी कोरमे वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। और दुआओं में हमें याद रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।